सरकार की मंसूबा है राजनीति करना, शिक्षक अभ्यर्थी राजनीति में नहीं आएंगे, हम लोग को नौकरी चाहिए, तो 2023 नियमावली वापस ले सरकार, अन्यथा हम लोग ईट से ईट बजा देंगे, चाहे जो हो जाए हम लोग आंदोलन वापस नहीं लेंगे। 2030 तक ले जाना चाहती है, हम कभी नहीं जाने देंगे 2030 तक। सीधा सीधी बात है, सरकार 72 घंटे के अंदर 2023 नियमावली वापस ले, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरेंगे, लाखों की संख्या में उतरेंगे, क्योंकि 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लगातार शिक्षक नया नियमावली 2023 को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम जो सीटेट स्टेट के अभ्यर्थी हैं बीटेट के, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर कारगिल चौक पर देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है तमाम ST/ET/19 मेरिट अभ्यर्थियों के द्वारा जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज ST/ET/19 के साथ तमाम मेरिट के अभ्यर्थी हैं, वो शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो पुतला है वो भी उन्होंने फूंका है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। वहीं लगातार जो ये अभ्यर्थी हैं लगातार संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर थे, लगातार जो है ये आंदोलन कर रहे हैं और ये अपनी मांग कर रहे हैं कि जो ST/ET जो मेरिट अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, जो सातवें चरण के अभ्यर्थी हैं, उनकी नियुक्ति जो है जल्द से जल्द कर दी जाए। लेकिन सरकार जो है, सरकार पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तमाम जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा मंत्री को ये लोग जो है टारगेट कर रहे हैं, और ये साफ तौर पर कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है बहाली फंसाना चाहते हैं। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, 2019 से जो है लगातार सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बहाली को लेकर के मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने नया नियमावली तो निकाल दिया, बहाली तो निकाल दिया, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं बहाली फंसाने की एक जो कोशिश है वो भी कर दी। जो BPSC से एग्जाम लेने की जो बात सरकार ने कही है उससे लगातार ये अभ्यर्थी जो है नाखुश हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो BPSC से परीक्षा जो कहीं ना कहीं जो लिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये जो सातवें चरण की अभ्यर्थी है उनके लिए नहीं है, जो आठवें चरण की अभ्यर्थी है अगर उनसे परीक्षा लिया जाता BPSC से तो सही रहता, क्योंकि हमने 4 बार परीक्षा दिया है, 4 बार जो है परीक्षा देने के बाद जो है पात्रता परीक्षा पास करने के बाद जो है वो हम नौकरी मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं तमाम जो सीटेट स्टेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं उनकी मांगों को जो है सरकार नहीं सुन रही है, कहीं ना कहीं उनके बातों को लगातार दबाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एक बार फिर तस्वीर देखिए, जो तमाम स्टेट सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं वो आज फिर से सड़कों पर है, ST/19 के अभ्यर्थी जो है वो आज उन्होंने पुतला फूंका है, राजधानी पटना के कारगिल चौक पर मौजूद है, राजधानी पटना के कारगिल चौक पर जो है इन तमाम अभ्यर्थियों ने जो है मुर्दा जो तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं जो बिहार के शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर उनको भी जो है उनके भी मुर्दाबाद के लगातार तमाम अभ्यर्थी जो है नारा लगा रहे हैं। लगातार ये अपनी नौकरी को लेकर के सड़कों पर है, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं बातों को जो है सरकार नहीं सुन रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं जो नया नियमावली है शिक्षकों की उसमें जो है बदलाव जो है वो किया जा सकता है, लेकिन बदलाव ये लोग लगातार कह रहे हैं कि बदलाव किया जा सकता नहीं है, बदलाव कर दिया जाए, जो आठवें चरण की अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है आप कोई भी अगर नया नियम लाते हैं तो लाइए, लेकिन जो सातवें चरण की अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई नया नियम जो है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लगातार 4 बार परीक्षा देने के पास पास आउट होने के बाद जो है मेरिट में आए हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी बहाली को जो है प्रक्रिया को फंसाने की कोशिश जारी है, और इसी कारण से जो है कहीं ना कहीं सरकार ने एक नया नियम एक नया फरमान जो है जारी कर दिया, यानी कि बहाली फंसाने का जो एक तरीका है वो इनके तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहाली फंसाने की जो कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। देखिए हम कुछ लोगों से आइए बातचीत भी करेंगे, देखिए लगातार ये अभ्यर्थी जो है सड़कों पर है, लगातार अपनी नई नियमावली का काला फरमान वापस रोके नारा लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नया नियमावली आया उसमें कहीं ना कहीं इनका कहना है कि वो बिल्कुल गलत है, नया नियमावली का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जब हम 4 बार परीक्षा देकर आए हैं तो अब किस बात का हम परीक्षा दे, अब किस बात का एग्जाम दे, ये लगातार अभ्यर्थी जो है कह रहे हैं।
हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए लगातार ये अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर डटे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बहाली को जो है फंसाने की इनके तरफ से कहा जा रहा है कि कोशिश जो है वो की जा रही है, सरकार चाहती नहीं कि हमारी बहाली हो। खैर अब इन तमाम अभ्यर्थियों से बात करने के बाद ही जो है वो क्लियर हो पाएगा कि आखिर सरकार जो है चाहती क्या है, जिस प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या चाहते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो क्या चाहते हैं, क्योंकि लगातार तमाम सीटेट स्टेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को लेकर के जो है लगातार अपनी बातों को लेकर के जो है वो सड़कों पर है, फिर उन्होंने कारगिल चौक पे पुतला फेंका है। अभिषेक जी से बात करेंगे, अभिषेक जिस तरीके से लगातार पुतला फूंक रहे हैं, लगातार सरकार कह रही है कि बदलाव जो है वो कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार का मन क्या है, मंसूबा क्या है सरकार? सरकार की मंसूबा है राजनीति करना, शिक्षक अभ्यर्थी राजनीति में नहीं आएंगे, हम लोग को नौकरी चाहिए, बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों मुसलमानों के बच्चों को शिक्षक चाहिए, तो 2023 नियावली वापस ले सरकार, अन्यथा हम लोग ईट से ईट बजा देंगे, चाहे जो हो जाए हम लोग आंदोलन वापस नहीं लेंगे। सरकार क्या चाहती है? सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके का लग रहा है कि आप ही लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है 2030 तक बहाली फंसाने की कोशिश कर रही है। एकदम सही कहा महोदय, 2030 तक ले जाना चाहती है, हम कभी नहीं जाने देंगे 2030 तक। सीधा सीधी बात है, सरकार 72 घंटे के अंदर 2023 नियावली वापस ले, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरेंगे, लाखों की संख्या में उतरेंगे, क्योंकि 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग हैं। सरकार कह रही है कि शिक्षकों के हित में हमने जो है नया नियमावली का जो है वो पारित किया है कैबिनेट में। सरकार शिक्षकों के हित में नहीं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, इसलिए सरकार सीधा सीधी बात जान ले कि हम लोग रोड पर उतरे रहेंगे, सड़क पर उतरेंगे, चाहे जो हो जाए हम लोग रुकेंगे नहीं। चलिए तो रुकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी जो है वो नाखुश हैं ये नई नियमावली से, वहीं लगातार कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, लाखों के संख्या में जो है उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे, हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।